ये देखिए मैडम, क्वेश्चन नंबर 17। हाफ लाइफ ऑफ सैंपल इज 28 इयर्स, डिटरमिन द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ इट्स 5 mg सैंपल। इसमें तो बताइए कैसे करा। सर उन्होंने बोला है कि डिसइंटीग्रेशन रेट ढूंढने का है, मतलब एक्टिविटी, हाँ और उन्होंने हम लोग को वेट बोला है 5 mg, तो उससे पहले एटम्स कन्वर्ट करना होगा, शाबाश। वो ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और मोल्स को एटम्स में कन्वर्ट करेंगे, और शाबाश। उन्होंने टी हाफ दिया है, सो एक्टिविटी वुड बी एन इंटू लैम्डा, ओके लैम्डा इज 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। शाबाश। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कि एक्टिविटी एट एनी टाइम इज लैम्डा एन टी। यस सर, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब इस फॉर्मूले में ये जो है, इस क्वेश्चन में फंडामेंटली आपसे ये एक्टिविटी पूछी जा रही है। आपके पास क्या क्या है? आपके पास ये लैम्डा की वैल्यू है। लैम्डा की वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये जो लैम्डा है ये इक्वल हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ इस क्वेश्चन में 28 ईयर्स, 28 ईयर्स। तो लैम्डा की यस वैल्यू आपके पास है, ये वाला लैम्डा की वैल्यू है। ये जो लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वो आप बोल रहे हैं कि ये जो 5 mg सैंपल है, यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएगा। बस मधु यही कह रहे हैं आप? यस सर, और वो हमारे पास कैसे आएगा मैडम? वो केमिस्ट्री स्टोकोमेट्री अगर आपकी अच्छी है तो आपको पता है कि आपके पास जिस एलिमेंट की बात हो रही है उसका जो मास नंबर इतना है। तो कहने का मतलब अगर आप 90 ग्राम्स लेंगे तो आपके पास 6 × 10 इस वन मोल होगा। हाँ इतना इतने न्यूक्लियाई हो जाएंगे। अब मैं वो यस जो सर, ये जो डेसिमल यहाँ पर लिखा होता है वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो 1 ग्राम अगर आप लेंगे तो आपके पास 6 × 10⁃³ हो जाएगा। और आपके पास जो सैंपल आपको दिया जा रहा है वो सैंपल दिया जा रहा है 5 mg, और 5 mg 1 mg जो है वो मैडम कितने ग्राम के इक्वल होगा? 10⁃³ टेन माइनस रेशो थ्री थ्री हाँ टेन रेशो तो ये 5 mg मतलब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ये आप लगाएंगे तो ये जो आया, इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके पास है। तो आपकी जो इक्वेशन है, एक्टिविटी की जो रेशियो इक्वेशन है, एटी इज इक्वल टू लैम्डा एन टी, उसमें ये जो कैलकुलेट आप करेंगे वो यहां पर आएगा। और यस सर, लैम्डा जो है वो आपके पास आएगा इस इक्वेशन से अपॉन टी हाफ। इसमें तो कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। और इसमें भी आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि आप जो डिसइंटीग्रेशन है वो चाहती हैं आप सेकंड में, क्योंकि वो सेकंड में चाहती हैं। तो ये जो टी हाफ है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको जो टी हाफ दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है किसमें? ईयर्स में, 28 ईयर्स। हाँ इसको आपको डालना पड़ेगा, इस मुसीबत को पहले डालना पड़ेगा सेकंड्स में। तो 365 डेज और एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में 60 मिनट्स, और हर मिनट में 60 सेकंड्स। तो ये जो यस है ये आपको मुसीबत करनी पड़ेगी और फिर जाके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें तो यहाँ तक कोई हाँ सर, डाउट? समझा सर, नो डाउट। तो जो कैलकुलेशन है मैडम, वो कैलकुलेशन आपके सामने, सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। तो ये देखिए, ये टी हाफ है, ये लैम्डा की वैल्यू है। लैम्डा निकालने के लिए मैंने ये 28 को, ये देखिए, ये सारा का सारा जो कन्वर्जन है ये सेकंड में डालने के लिए कन्वर्जन मैं कर रहा हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये देखिए, ये सारा जो मैंने किया है ये 90 ग्राम को नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करने के लिए किया है। इसमें तो कोई डाउट है? तो ये देखिए, ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इतने न्यूक्लियाई आपके पास हैं। और ये आपकी जो इक्वेशन है, ए टी इज इक्वल टू लैम्डा एन टी, इसको लेके आप गाड़ी चलाने वाले हैं। इसको लेके जब आप गाड़ी चलाएंगे तो